हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एसएसआईएस ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया था, व्हाट आर द एसएसआईएस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, इन हाउ मेनी ग्रुप्स द एसएसआईएस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे पाँच ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से है रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इस स्लाइड में आप देखेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये सारे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्टर मैप, कॉपी कॉलम, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमारे रो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज के सेशन में हम करेक्टर मैप ट्रांसफॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स जंप टू विजुअल स्टूडियो हेयर। सो आई हैव क्रिएटेड हेयर करेक्टर मैप ट्रांसफॉर्मेशन DTX ऑलरेडी। सो वट आई एम गोइंग टू डू, आई गो टू द करेक्ट कंट्रोल फ्लो एंड हेयर आई एम गोइंग टू डिलीट दिस एंटायर प्रोजेक्ट। सो अभी क्या करना है, करेक्टर मैप ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों क्या होता है कि हमें अगर डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन में डालना है, बट डेस्टिनेशन में डालने से पहले, पुट करने से पहले, हमें करेक्टर्स को जो हमारे पास सोर्स में है, सिलेक्टेड कॉलम्स के करेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, लोअर केस है, अपर केस है, समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करेक्टर मैप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अभी एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है, काइंडली नोट कि करेक्टर मैप ट्रांसफॉर्मेशन विल बी एप्लीकेबल ऑन स्ट्रिंग कॉलम्स ओनली, ठीक है। तो ये डेटा फ्लो ले लिया हमने यहाँ पे। डेटा फ्लो टास्क में हमारा प्रोजेक्ट, हम क्या बना रहे हैं कि हम कॉमा सेपरेटेड फाइल से डेटा पिक कर रहे हैं और SQL सर्वर टेबल में डाल रहे हैं, बट उससे पहले हम करेक्टर मैप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके डेटा को कन्वर्ट करेंगे। तो SQL फ्लैट फाइल सोर्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो कॉमा सेपरेटेड फाइल में है। तो लेट मी कोलैप्स एवरीथिंग हेयर। सोर्स कैटेगरी के अंदर आप फ्लैट फाइल सोर्स यहाँ पे देखेंगे, ये ऑलरेडी कनेक्शन मैनेजर यहाँ पे है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। ये भी हम डिलीट कर देते हैं, हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे फ्लैट फाइल सोर्स। इसको अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं तो दैट्स ओके। डबल क्लिक करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, हम वो पाथ प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हमें फाइल रखी है, जहाँ से हमें फाइल को पिक करना है। ये है हमारी कॉमा सेपरेटेड फाइल। आप इस पर लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉलम में, तो आपको यहाँ पे डेटा सारा आ जाएगा। ये सारा डेटा आप अगर देखेंगे, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सिटी, तो यहाँ पे ये सब क्या है, स्मॉल लेटर्स में है। तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट नेम कॉलम को अपर केस में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, ठीक है, ये कन्फिगर हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लीजिए। अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में हमें यहाँ पे करेक्टर मैप्स को सर्च करना है। अगर कॉमन कैटेगरी में नहीं मिलता है तो फिर हम अदर ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है, आप अदर ट्रांसफॉर्म में जाइए, यहाँ पे मुझे मिल गया करेक्टर मैप, आप इसको ड्रैग कर लीजिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इसका सैम्बल पे ध्यान देंगे ना, तो ये क्या लिखा है, कैपिटल ए से स्मॉल ए, दैट मीन्स करेक्टर को अगर आपको चेंज करना है, उसके केस चेंज करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डबल क्लिक करके इसको कन्फिगर कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अवेलेबल इनपुट कॉलम, सो दीज आर द अवेलेबल इनपुट कॉलम इन योर सोर्स फाइल। आप कौन से कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, हम फर्स्ट कॉलम पे करना चाहते हैं, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहा है कि आपको न्यू कॉलम क्रिएट करना है या फिर आपको इसी कॉलम को चेंज करना है। तो लेट मी से कि मुझे न्यू कॉलम में डेटा चेंज करना है, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन है, अगर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो स्ट्रिंग में ही एप्लीकेबल है, लोअर केस, अपर केस, बाइट रिवर्सल, हिरांगना। तो लोअर केस क्या करता है, सिलेक्टेड कॉलम को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस क्या करेगा, अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। बाइट रिवर्सल बाइट रिवर्स कर देगा। हिरांगना और काटाकेना ये क्या है, जापानीज करेक्टर्स हैं, जापानीज डिक्शनरी के करेक्टर्स हैं, तो थोड़ा चेंज हो रहता है जापान में इन दो करेक्टर्स का। जैसे चाइना में सिंप्लीफाइड चाइनीज और ट्रेडिशनल चाइनीज अलग अलग करेक्टर्स हैं, वैसे ही जापान का हिरांगना और काटाकेना दो अलग अलग वो करेक्टर्स हैं जापानीज वोकैबुलरी में। देन वी हैव हाफ विथ एंड फुल विथ। हाफ विथ में क्या होता है कि डेटा को कम विथ में स्टोर करते हैं डेटाबेस में, और यहाँ पे फुल विथ मतलब कि हर करेक्टर अपना अपना स्पेस लेता है अच्छे से। लिंग्विस्टिक कास्टिंग क्या है कि लिंग्विस्टिक कास्टिंग है, जैसे कि अगर आप मेरे सिस्टम पे देखेंगे तो ये टाइमिंग है, ठीक है, ये टाइमिंग है, लेकिन अगर आप किसी और लोकेशन का टाइमिंग पिक करना चाहते हैं, ये कोलकाता रीजन का टाइमिंग है, कोलकाता इंडिया वगैरह, ठीक है, अगर आप कोई और लोकेशन का डेट टाइम पिक करना चाहते हैं तो आप ये लिंग्विस्टिक कैसिंग यूज़ कर सकते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट को सिंपल रखने के लिए हम इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। तो अभी क्या होगा, मेरा फर्स्ट कॉलम में जो भी डेटा होगा वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन हमारा क्या है, OLEDB डेस्टिनेशन है, क्योंकि मुझे इसको डेटाबेस के एक टेबल में डालना है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ। डेस्टिनेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए डबल क्लिक, क्लिक ऑन न्यू। यहाँ पे सैम्पल DB डेस्टिनेशन से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग को। और मुझे किस टेबल में ये डेटा को डालना है, वो है एम्प्लॉय डेटा। इस डेटा को मैं चेक कर लेती हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाले हैं, हम इसको ट्रंकेट करते हैं, हम इस डेटा को ट्रंकेट करते हैं, सो दैट हमें जब ये पैकेज को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इसका इफेक्ट देख सकें।
एक सिंपल सी क्वेरी लिख देते हैं, ट्रंकेट टेबल दिस वन। और यहाँ पे ये चेक करना जरूर जरूर चेक कीजिएगा दैट द डेटाबेस इज सिलेक्टेड करेक्टली। इसको सिलेक्ट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, डेटा इज नाउ ट्रंकेटेड, गो बैक टू योर विजुअल स्टूडियो एंड नाउ चेक व्यू एग्जिस्टिंग, देर इज नो डेटा इन दिस टेबल। ठीक है, क्लिक ऑन ओके, यहाँ पे आप पहुँच गए। हम डबल क्लिक कीजिए, हाँ यहाँ पे रेड साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने मैपिंग नहीं किया है। अभी ये फर्स्ट कॉलम क्या है, कॉपी ऑफ फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमने जो ट्रांसफॉर्म किया है दैट डेटा इज इन कॉपी ऑफ फर्स्ट कॉलम, सो दैट डेटा कॉलम शुड बी मैप्ड टू फर्स्ट कॉलम इन डेटा डेस्टिनेशन। आप इसको क्लिक ऑन ओके कर लीजिए, नाउ दिस इज करेक्ट। आप पैकेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप इसका इफेक्ट दीजिए, जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। ओके, ये एग्जीक्यूट हो गया, आप इसका इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। को रन कीजिए, एग्जीक्यूट नाउ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नेम था रवि राज, ये डेटा जो है हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट था। अभी एक और हम थोड़ा सा इसमें आर एंड थोड़ा इसको और चेक करते हैं, इसको और एक्सप्लोर करते हैं करेक्टर मैप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो हम इंस्टेड ऑफ फ्लैट फाइल, लेट मी डिलीट दिस थिंग एंड एक और एग्जांपल देते हैं इसी का। लेट मी क्लियर दिस ऑफ एवरीथिंग। डेटा फ्लो टास्क जो है ये यही रहेगा, हम इसे डबल क्लिक करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम हमारे पास, अगर आप ये देखेंगे SQL सर्वर में, यहाँ पे एक डेटाबेस है एडवेंचर वर्क, तो यहाँ का एक टेबल पिक कर लेते हैं। लेट सपोज कि आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है और दैट डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी ह्यूज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए एक, लेट मी ओपन दिस न्यू क्वेरी एंड देर इज़ वन मोर टेबल हेयर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप इसका डेटा चेक कर सकते हैं। पहले हम इस टेबल का, इस टेबल में जो भी कंटेंट है उस पर करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आप चेक कीजिए, एडवेंचर वर्क्स 2017 डेटाबेस कनेक्ट होना चाहिए। आप ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आईडी, तो ये वाले दो कॉलम्स हम पिक कर लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक हम यहाँ पे दो कॉलम्स का नेम स्पेसिफिकली प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन आईडी कॉमा प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन। वाई आई एम टेकिंग दिस टेबल, बिकॉज हमने अभी अपर केस और लोअर केस देखा फंक्शनैलिटी, बट हाई विथ और लो विथ चेक करने के लिए हमको इस तरीके का कॉलम चाहिए जिसमें हमारे पास ज़्यादा डेटा है, जिसमें हम विथ को आसानी से चेक कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम नहीं है, ये है सिर्फ डिस्क्रिप्शन, और बिकॉज दिस डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो द कीवर्ड, तो इसलिए ये ब्लू में आ रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप ये ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो ये क्या है, यूजर डिफाइंड कॉलम हो जाएगा। आप ऐसे एग्जीक्यूट कर लीजिए, इस क्वेरी को आप कॉपी कीजिए, दिस विल बी अवर सोर्स एंड डेस्टिनेशन वुड बी अवर मल्टीकास्ट। और डेस्टिनेशन हम इसको चेक करने के लिए डेटा व्यूअर से भी चेक कर सकते हैं। तो सोर्स क्या है हमारा, OLADB सोर्स डेटाबेस SQL सर्वर से है, तो इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब बिकॉज ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, सैम्पल DB डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो हमें ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए न्यू चाहिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग, तो हमको सर्वर नेम चाहिए। सर्वर नेम आपको कैसे मिलेगा, क्लिक ऑन कनेक्ट हेयर, क्लिक ऑन डेटाबेस इंजन, ये जो मिल रहा है आप इसको सर्वर नेम को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कर लीजिए, इसको क्लोज कीजिए, यहाँ पे कम हेयर एंड पेस्टेड ओवर हेयर, यहाँ पे क्या है आपका सर्वर नेम से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये कनेक्ट होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट और एंटर डेटाबेस नेम, ये इनेबल्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे एडवेंचर वर्क यूज़ कर लीजिए और ये कनेक्शन को टेस्ट कीजिए। ठीक है, क्लिक ऑन ओके और क्लिक ऑन ओके, यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। अभी ये बोल रहा है कि किस टेबल से आपको पिक करना है, हमें रैंडमली पूरे टेबल से पिक नहीं करना है, बिकॉज हमारे पास क्वेरी है, हमें क्वेरी से करना है, तो हमें यहाँ पे SQL कमांड ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे अपनी ये वाली जो क्वेरी है इसको यूज़ करना होगा कि हमें भाई डेटा इस वाले टेबल से लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम देखेंगे, ये हो गया, आपको प्रीव्यू चेक करना है। अगर आपको प्रीव्यू चेक करना है कि व्हाट आर द डेटा, तो यहाँ पे आपको सारा टॉप 200 रोज का डेटा दिख जाएगा कि ये प्रीव्यू है, ये डेटा इसमें अवेलेबल है, कॉलम्स ये दो हैं, क्लिक ऑन ओके। अभी ये हमारा सोर्स जो है कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें करेक्टर मैप ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है, तो हमने इसको ड्रैग कर लिया, यहाँ पे इसका ब्लू एरो से इसको कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया और हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉलम को चेक करना है। मैं इसको न्यू कॉलम बना रही हूँ,
ये जो दो ऑप्शन है इन प्लेस चेंज और इन न्यू कॉलम, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको यही कॉलम को चेंज करना है डेस्टिनेशन में डालने से पहले, तो आप इन प्लेस चेंज करेंगे, ये क्या करेगा एग्जिस्टिंग कॉलम को ही चेंज कर देगा। बट अगर आपको ये कॉलम और इस कॉलम की जगह इसको ट्रांसफॉर्म करके न्यू कॉलम में चेंज करना है, देन यू नीड टू यूज़ दिस ऑप्शन। ठीक है, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम रखती हूँ ट्रांसफॉर्म्ड डिस्क्रिप्शन। बाय डिफॉल्ट कॉपी ही रहता है, कॉपी ऑफ दैट कॉलम। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको क्लिक ऑन ओके। हाँ बट हाँ, ऑपरेशन हमें चेक चूज करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये दो ऑपरेशन एक साथ आप नहीं कर सकते। सपोज आपने ये दोनों ऑपरेशन अपर केस एंड लोअर केस सिलेक्ट किए, ठीक है, तो ये दोनों आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ये आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी मेरे को यहाँ पे डेमो का पर्पस है फुल विथ और हाफ विथ दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको चूज कर लिया फुल विथ, क्लिक ऑन ओके। अभी मुझे इसको किसी डेस्टिनेशन में नहीं डालना, मुझे बस इसका बिहेवियर चेक करना है, दिखाना है आपको। तो उसके लिए हम क्या मल्टीकास्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीकास्ट आप उसको पिक कर लीजिए। मल्टीकास्ट, ठीक है, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा एवरी कॉलम्स को। यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या है डेटा व्यूअर इनेबल कर दीजिए। डेटा व्यूअर क्या करता है, डेटा पाइपलाइन का जो डेटा है, इनफ्लो जो डेटा हो रहा है, उसको आपको विजुअलाइज करके दिखाएगा, उसको टेबुलर फॉर्मेट में दिखाएगा कि दिस डेटा हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म एंड नाउ दिस इज लुकिंग लाइक दिस, आर यू श्योर टू गो इन साइड ऑफ डेस्टिनेशन। ऐसे करके ये ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डेटा क्या फ्लो हो रहा है डेटा पाइपलाइन में। तो अभी इसको चेक करते हैं। सो क्लिक ऑन स्टार्ट। तो ये हमने पैकेज यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। नाउ लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स हियर। अभी क्या होगा, ये 762 रोज है, ठीक है, 762 रोज है सर्वर में, सोर्स में। अभी ये हमारा डेटा व्यूअर, क्योंकि ये लेंस यहाँ पे इनेबल है, तो ये मेरा डेटा व्यूअर ओपन हो गया। और आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं फुल विथ ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट। देखिए डिस्क्रिप्शन, ये मेरा जो है ओरिजिनल कॉलम था, इसका जो डेटा था वो इस तरीके से था, 10 स्पीड ये, ठीक है। अभी ये जो ट्रांसफॉर्म डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके का आया है, ए लाइट और ये सब, ठीक है। आप देखेंगे ये फुल विथ, कंप्लीट विथ को यूज़ कर रहा है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है टू इंसर्ट दिस डेटा, ठीक है। दिस वे आप हाफ विथ और फुल विथ यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। जस्ट इन केस अगर कोई क्वेरी या समथिंग लाइक दैट हो, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।